एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा के पेपर वन का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा सीटेट दिसंबर 2021 की परीक्षा होने वाली है। जैसा कि हमें पता है कि सीटेट में हमारे दो अलग अलग स्तर में पेपर पूछे जाता है, जिसको हम पेपर वन और पेपर टू के नाम से जानते हैं। पेपर वन जो होता है वो कैंडिडेट देते हैं जो कि प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि क्लास फोर से लेकर क्लास फिफ्थ तक के टीचर बनना चाहते हैं। अगर हम इसके सिलेबस के सेक्शन की बात करें तो देखिए, जो हमारा पार्ट वन होता है, जो हमारा प्रथम भाग होता है, उसके अंदर हमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हमसे पूछी जाती है, जिसको हम CDP के नाम से भी जानते हैं। इसके हमसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल सिलेबस अभी मैं डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ अगर हम पेपर पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू में हमसे गणित पूछी जाती है, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट माना जाता है पेपर वन के लिए, जिसके हमसे अगेन यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, जो पार्ट थ्री हमसे पूछा जाता है, ये हमसे यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS पूछा जाता है, जिसके हमसे यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारे 90 प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं। इसके अलावा पार्ट फोर और पार्ट फाइव में हमें फॉर्म फिल करते हुए दो भाषाओं का चयन करना पड़ता है, जिसके हमसे अगेन यहाँ पे 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो CTET की जो पेपर वन होता है, ये हमसे क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे 150 अंकों की ये परीक्षा है, और साथ ही साथ 150 प्रश्न हमसे इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी पार्ट में जो हमें सिलेबस दे रखा है, जो हमें पाठ्यक्रम दे रखा है, उसको जरा डिस्कस करें। अब आपके स्क्रीन में सिलेबस दिखेगा और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले विषय से, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी परीक्षा में 30 अंकों का पूछा जाता है। अगर इन 30 अंकों का विभाजन देखें तो इसमें जो 15 नंबर होते हैं वो हमारे बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के पूछे जाते हैं। ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोगों से सबसे पहले डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या है और इसका अधिगम से क्या संबंध है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोगों से पूछा जाता है कि आपको विकास के सिद्धांतों को बताना है, हमारे अनुवांशिकता और वातावरण का हमारे जो विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ पूछी जाती है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण के बारे में पूछा जाता है। प्याजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की का सिद्धांत पूछा जाता है, और साथ ही साथ इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी हमसे पूछा जाता है। इसके अलावा हमें बाल केंद्रित शिक्षा कैसे करनी है, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कैसे करना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, जो प्रगतिशील कक्षा होती है वो कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, जेंडर हो गया। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, असेसमेंट हमें आकलन किस तरीके से करना है, और साथ ही साथ इसमें CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में भी पूछा जाता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी 15 नंबर में आ जाती है। इसके अलावा जो बाकी के 5 नंबर हैं, इससे हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पूछा जाता है, जिसके अंदर हम लोगों को ये बताया जाता है कि हम लोग जो डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उन लोगों को किस तरीके से उनके नीड को हम ढूंढें, उनके नीड को कैसे फुलफ़िल करें, अगर किसी बच्चे में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको कैसे दूर करें, साथ ही साथ बच्चों के टैलेंट, बच्चों के क्रिएटिवनेस को किस तरीके से हम लोग एड्रेस करें, किस तरीके से ढूंढें। अब देखिए, ये हमने बात कर दी 15 नंबर और 5 नंबर की। अब बचे हुए हमारे CDP के 10 नंबर, जिसके हमारी लर्निंग एंड पैडागॉजी पूछी जाती है, जिसमें हमारे ये बताया जाता है कि बच्चे का चिंतन और अधिगम किस तरीके से हो सकता है, साथ ही साथ लर्निंग को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं, इसके प्रोसेस को हम किस तरीके से सोचें, और सोशल एक्टिविटी को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं। जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, उनके लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर किस तरीके से उनके माइंड को बनाएं, साथ ही साथ जो हमारे कोग्निशन और इमोशन, संज्ञान और संवेग होता है, ये क्या है, मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, और साथ ही साथ एक तरीके से अधिगम में, लर्निंग में जो पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, ये हमने CDP डिस्कस की। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो देखिए लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू दोनों का ही सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, 30-30 अंकों की पूछी जाती है, जिसमें से 15 नंबर आता है कॉम्प्रिहेंशन का
और जो आपके 15 नंबर होते हैं उसके हमसे पैडागॉजी पूछी जाती है। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में पेपर वन के अंदर एक आपसे गद्यांश और एक आपसे काव्यांश पूछा जाएगा, यानी कि एक आपसे अनसीन पैसेज और एक आपसे पोएम पूछी जाएगी, जिसके अंदर ये सारे टर्म्स आपके हो सकते हैं। इन्फरेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, ग्रामर के हो सकते हैं, इसके अलावा वर्बल एबिलिटी यानी कि एरर डिडक्शन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं ये 15 नंबर में, एक पैसेज और एक पोएम। इसके अलावा जो बाकी के 15 नंबर है इसका सिलेबस जो है वो फिक्स रहता है, जिसके अंदर हम लोगों से ये पूछा जाता है कि लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा अर्जन एवं अधिगम क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, स्पीकिंग और लिसनिंग का क्या रोल होता है किसी भी भाषा को सीखने में, इसके अलावा ग्रामर का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर का क्या रोल है, व्याकरण का क्या रोल है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि टीचर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक डाइवर्स क्लासरूम को पढ़ाते हुए, और उनकी जो कमजोरियां हैं उसको किस तरीके से टीचर टैकल कर सकती है, साथ ही साथ भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल क्या है, इवैल्यूएशन को और अच्छी तरीके से किस तरीके से प्रोफिशिएंट बनाया जा सकता है, किस किस का स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा लैंग्वेज टू का भी सिलेबस आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे सेम मिलेगा, बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पहला पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का पूछा जाता है उसमें एक गद्यांश और काव्यांश ना पूछ के, यानी कि एक पैसेज और पोएम ना पूछ के दो आपसे यहाँ पे पैसेज पूछे जाते हैं, ये फ़र्क हो जाता है। बाकी जो पैडागॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल यहाँ पे सेम रखा गया है। इसके अलावा गणित की बात करें तो गणित भी हमारी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर यहाँ पे कंटेंट आता है, जिसमें ज्योमेट्री हो गया, शेप हो गया, सॉलिड फिगर हो गया, नंबर हो गया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी कि विभाजन, मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, वेट हो गया, टाइम हो गया, इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। खास करके आपको करना क्या है, क्लास फोर्थ से लेकर क्लास सिक्स तक की जो एनसीईआरटी है आप उसको एक बारी अच्छे से कर लीजिए, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, ये एरिया आपका अच्छे से आराम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी पैडागॉजी की बात करें तो पैडागॉजी का देखिए यहाँ पे आपको गणित के लिए आपको यहाँ पे मैथ्स के लिए यहाँ पे आपको चीज़ें देखनी है, जैसे कि मैथ्स का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसमें गणित को क्या पोजिशन देनी चाहिए, साथ ही साथ मैथ्स की क्या लैंग्वेज है, इसकी क्या कम्युनिटी है, हम किस फॉर्मल तरीके से औपचारिक तौर से या अनौपचारिक तौर से सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, अगर हमें एरर देखनी है बच्चे में तो हम किस तरीके से हम लर्निंग और टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को उपचार दे सकते हैं यानी कि रेमेडी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आखिरी विषय की जो है हमारा EVS, जिसे हम पर्यावरण अध्ययन भी बोलते हैं, देखिए इसके कंटेंट के लिए तो साफ साफ मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि क्लास थर्ड से लेकर क्लास फिफ्थ की आप क्या करिए, NCERT की आप EVS कर डालिए, और साथ ही साथ अगर आप करना चाहें तो क्लास सेवन्थ तक भी आप NCERT कर लीजिए। NCERT क्या, EVS का जो कंटेंट होता है वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, दैट्स इनफ। इसमें डायरेक्शन से संबंधित, इसमें आप लोगों को मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, और इसकी पैडागॉजी जो है यहाँ पे बोल रखा है कि हमसे स्कोप पूछा जाएगा, EVS का सिग्निफिकेंट पूछा जाएगा, EVS और जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये क्या है, हमारी लर्निंग के क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, क्या स्कोप होने चाहिए, किस एक्टिविटी को हम लोगों को फॉलो करना है, क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, CCE क्या है, टीचिंग मटेरियल क्या होते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ साथ आप लोग जो CTET का दिसंबर का पेपर होने वाला है उसके लिए एक एग्जाम्पलर पेपर रिलीज़ किया गया है CTET के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप उस PDF को भी देखिए और आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट की आपको किस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।